कायरल सेंटर। सो ये अपना स्टीरियो सेंटर होगा लेकिन कायरल सेंटर नहीं होगा, ऐसे बता सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी कैन से दैट अबाउट द स्टीरियो सेंटर एंड द कायरल सेंटर। सो वी गॉट द डिफरेंस, स्टीरियो सेंटर क्या होते हैं और कायरल सेंटर क्या होते हैं। अब अगर हम चेक करें नंबर ऑफ आइस्टीरियो आइसोमर्स की बात करते हैं, है ना, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स एंड द, ठीक है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स एंड वी कैन राइट लाइक दिस, ऐसे हम लिखते हैं। एक तो ऊपर लिखते हैं पहले नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है ना। हाउ टू कैलकुलेट, क्योंकि हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ा, तो हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स वो चेक करते हैं। इफ मॉलिक्यूल जो अपन को गिवन है ना डू नॉट पॉजेस और इफ द मॉलिक्यूल कांट शो, एक ही बात है पर डू नॉट पॉजेस भी लिख सकते थे, कांट शो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब वो शो भी नहीं कर सकता। डू नॉट पॉजेस में अपन अज्यूम कर लेते कि भाई वही मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि उसके किसी भी स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती। सो इट कैनॉट शो प्लेन ऑफ सिमेट्री, देन नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, देन नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी इक्वल टू 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 द पावर ऑफ एन, वेर एन इज द नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, एन इज द नंबर ऑफ कायरल सेंटर, ठीक है, वेर एन इज द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर भी लिख सकते हो, कायरल सेंटर भी लिख सकते हो। इफ मॉलिक्यूल पॉजेसेस और इफ मॉलिक्यूल कैन शो, मॉलिक्यूल कैन शो प्लेन ऑफ सिमेट्री, देन विथ इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, द नंबर ऑफ आइसोमर्स विल बी इक्वल टू ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं अपन, टू टू द पावर ऑफ एन माइनस वन, टू टू द पावर ऑफ एन बाय टू माइनस वन, वी कैन राइट लाइक दिस, टू टू द पावर ऑफ एन माइनस वन प्लस टू टू द पावर ऑफ एन बाय टू माइनस वन। और अगर इवन नंबर है तो विल राइट लाइक दिस, और अगर ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर है तो विल राइट लाइक दिस, टू टू द पावर ऑफ एन माइनस वन, राइट, माइनस टू टू द पावर ऑफ एन बाय टू माइनस वन बाय टू, राइट, प्लस टू टू द पावर ऑफ एन बाय टू माइनस वन बाय टू। तो अगर ऑड नंबर होंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी लाइक दिस, और इसमें ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो विल गेट द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इज टू टू द पावर ऑफ एन माइनस वन। तो अपन डायरेक्टली बता सकते हैं कि अगर ऑड नंबर है तो टू टू द पावर ऑफ एन माइनस वन होगा, बट ये अपन सेपरेटली इसलिए लिखेंगे बिकॉज ये जो होंगे ना, बिकॉज इसमें ये ऑप्टिकल आइसोमर बोल रहे हैं अपन, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स नहीं लिख रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स लिख रहे हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव की बात कर रहे हैं अपन और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात कर रहे हैं अपन, और ये टोटल आइसोमर्स है टू टू द पावर ऑफ एन माइनस वन। बट अगर हमसे सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव पूछा तो हम ऐसे कैलकुलेट करके बताएंगे, और ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछा तो ऐसे कैलकुलेट करके बताएंगे, राइट। अब इसमें एक और पार्ट में लिख देता हूं ऐसे, सपोज वी हैव लाइक दिस, हमारे पास गिवन है सपोज दैट टेलिंग कि भाई नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं पूछा हमसे, स्टीरियो आइसोमर्स पूछा है। स्टीरियो आइसोमर्स तो ज्योमेट्रिकल भी होता है और ऑप्टिकल भी होता है, सो दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस ऑप्टिकल, दोनों की ही बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की भी बात कर रहा हूं, ऑप्टिकल आइसोमर्स की भी बात कर रहा हूं। तो आई विल से दैट इफ मॉलिक्यूल कांट शो पीओएस, कांट शो
POS. Then, अगर मॉलिक्यूल POS शो नहीं कर सकता, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं कर सकता, then I will write that number of stereoisomers. Number of stereoisomers. Isomers will be equal to 2 to the power of n, where n is the stereo center. N is stereo center. और मैंने अभी आपको स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर के बीच में डिफरेंस बताया था. स्टीरियो सेंटर मतलब वो ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है, ऑप्टिकल भी हो सकता है, राइट? सेकंड, इफ द मॉलिक्यूल कैन शो सिमेट्री, ठीक है ना, इफ द मॉलिक्यूल कैन शो प्लेन ऑफ सिमेट्री. सो इफ द मॉलिक्यूल कैन शो प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर वो POS दिखा सकता है, then we'll write that उस केस में A with even number of chiral centers, और इसमें अपन chiral की जगह क्या लिखेंगे, stereo centers. The number of isomers will be 2 to the power of n minus 1 plus 2 to the power of n by 2 minus 1 will get like this. So, aapne to same hi likh diya. Ha, because all stereo center can be chiral center also. Yeah, all chiral center can be stereo center, but kyunki chiral center hai, to stereo center bhi ho sakta hai. Lekin zaruri nahi ki stereo center chiral center ho jaye. But agar even number hai, to ye 2 to the power of n minus 1 बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने ये लिखा हुआ है इवन नंबर के लिए, बट दैट विल बी द नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स. ठीक है, नेक्स्ट वी कैन राइट इज बी, इफ विथ ऑड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर विल हैव 2 to the power of n minus 1 plus 2 to the power of n by 2 minus 1 by 2. That will be the number of stereoisomers. अगर आपको याद होगा तो सेम चीज हमने लिखी थी geometrical isomer के numbers के लिए. जो geometrical isomers के number के लिए लिखा था वो यही था. Optical में बस इस part में difference होता है. बाकी आप stereo center बोलो तो जो geometrical के लिए formula लिखा वही हमने डिफरेंस की भाई किस फॉर्मूले को हमें कब यूज करना है. अगर सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करेंगे तो अपन इस बात का ध्यान रखेंगे, और वो भी ध्यान रहेगा अपन क्योंकि कुछ माइनस इसको आप एक बार प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना. तो ऑप्टिकली एक्टिव में जो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे उससे अपन माइनस कर देंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव थे. जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैनुअल काउंटिंग से भी हो सकते हैं ना, मतलब ऐसा कोई नहीं जो खाली फॉर्मूला से होगा. नहीं, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो आपको मैनुअल काउंटिंग से ही करने होंगे. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा तो मैनुअल काउंटिंग में ही जाना पड़ेगा आपको. लेकिन अभी एडवांस में मतलब ऐसा कोई कंपाउंड में पूछा तो मैनुअली काउंटिंग करके मतलब कर सकते हैं ना, मतलब वो मैनुअल काउंटिंग पॉसिबल हो वैसा ही देंगे ना कि मैनुअल काउंटिंग से कर सके. हाँ, मैनुअल काउंटिंग से करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनुअल काउंटिंग बिल्कुल करेंगे. मतलब जरूरी नहीं कि अपन फॉर्मूला यूज करें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आ जाता है ना, फॉर्मूले से भी काफी कुछ आ जाता है क्वेश्चंस. क्रॉस चेक टाइप का अपन कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ साइक्लिक वाइक्लिक रिंग्स हैं तो साइक्लिक रिंग्स में अपन को मैनुअल काउंटिंग में ही जाना चाहिए, फिर गलती करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. चांसेस ज्यादा होते हैं, आता तो इससे भी है वो, बट गलती करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे. सर, ये फॉर्मूला में मतलब कभी भी मतलब ये नहीं होगा ना, एक्सेप्शन नहीं आएगा ना? नहीं, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब रिंग्स वाले कंपाउंड होते हैं तो उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री थोड़ा डिफरेंट बन जाता है, फिर उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है क्योंकि हमें उसमें थोड़े से एक दो पॉइंट्स और ज्यादा याद रखने होते हैं.
तो उसमें गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम उतना ज्यादा रिंग्स वाले कंपाउंड को प्रैक्टिस करते नहीं है और हम गलती कर जाते हैं, तो गलती होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, तो बेटर है कि अपन उसको काउंट भी करो। लेकिन हाँ, फॉर्मूले से अपन क्रॉस चेक जरूर कर सकते हैं, यार मेरा फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं है वहां पर। अगर फॉर्मूले के हिसाब से ज्यादा आ रहे हैं तो अपन उसमें एक बार चेक भी कर लेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से डिफरेंट आ रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले अपन क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करते हैं और फिर अपन स्टीरियो आइसोमर्स की बात करते हैं कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। सो मैं इनको हटा देता हूं एंड विल चेक दैट कि भाई अपन ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करते हैं पहले और फिर अपन स्टीरियो आइसोमर्स मतलब मिक्स करके अपन पढ़ेंगे कि भाई कैसे अपन को बताना चाहिए। ठीक है, तो वी गॉट द फॉर्मूला, फॉर्मूला तो अपन के पास पहले ही सही था, मैंने एक बार बस लिख के बताया कि भाई कई बार क्या होता है ना, समझ में नहीं आता यार फॉर्मूला मतलब लिख क्यों रहे हैं, कभी वो कायरल सेंटर लिख देते हैं, कभी स्टीरियो सेंटर लिख देते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं और फिर फॉर्मूले में भी अपन को कंफ्यूजन होता है, फिर लगता है यार फॉर्मूला पढ़ो ही मत, है ना। लेकिन फॉर्मूला अपन पढ़ सकते हैं, उनको क्लियरली पता है कि किसको क्या बोल रहे हो आप। नेक्स्ट वी कैन राइट इज, अपन लिख सकते हैं दैट इज नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात करते हैं। सो नंबर ऑफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ऑप्टिकल आइसोमर्स तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स भी लिखेंगे तो आपको कंपाउंड थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा, कुछ कंपाउंड में पूछ सभी सकते हैं अपन। लेकिन एक बात याद रखो कि अगर ऑप्टिकल पूछा है तो यू हैव टू चेक कायरल सेंटर। तो अगर अपन को स्टीरियो पूछा है आइसोमर्स तो यू हैव टू चेक द कायरल सेंटर एंड स्टीरियो सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर्स दोनों ही चेक करने होंगे क्योंकि स्टीरियो आइसोमरिज्म पूछा हमसे। अगर आइसोमरिज्म पूछा है, आइसोमर्स पूछा है, तो आपको कायरल भी चेक करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी चेक करना पड़ेगा, राइट, और स्ट्रक्चरल भी चेक करना पड़ेगा, और अपन को स्ट्रक्चरल भी चेक करना पड़ेगा अगर आइसोमर्स पूछा है, बिकॉज आइसोमर्स वो होते हैं जो स्टीरियो आइसोमर भी होंगे और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स भी होंगे और स्ट्रक्चरल भी आइसोमर्स होंगे। तो डिपेंड करता है कि क्या पूछा आपने, जैसे आपने ऑप्टिकल आइसोमर पूछा तो मुझे सिर्फ कायरल सेंटर चेक करना है, अगर आप स्टीरियो आइसोमर पूछते तो फिर मुझे कायरल सेंटर भी चेक करना है और ज्योमेट्रिकल सेंटर्स भी चेक करना है, और आइसोमर्स पूछा है मतलब मैं फॉर्मूले को मतलब बॉन्ड भी ब्रेक करके दूसरा फॉर्मूला लिख सकता हूं, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, फिर आइसोमर्स। तो मोस्टली क्या करते हैं, जब अपन से आइसोमर्स पूछते हैं तो वर्ड रूट फिक्स कर लेते हैं कुछ, कि आप आइसोमर्स तो बताओ लेकिन आइसोहेक्सेन के आइसोमर बताओ ऐसे, तो आइसोहेक्सेन का मतलब हो गया कि फिर वर्ड रूट वही रहेगा आइसोहेक्सेन, और उसमें आप कायरल या ज्योमेट्रिकल जो भी ग्रुप गिवन होगा उसके हिसाब से अपन लिख सकते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि आपने आइसोहेक्सेन फिक्स कर दिया। तो लाइक दैट जो अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स चेक करना है सपोज, तो मुझे गिवन है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स में मेरे पास ऐसे गिवन है, अपन पहले ले लेते हैं थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड को ले लेते हैं, टार्ट्रिक एसिड के ऑप्टिकल आइसोमर्स ले लेते हैं अपन, है ना, तो विल राइट दैट ऑप्टिकल आइसोमर्स में टार्ट्रिक एसिड में, तो आपके पास टार्ट्रिक एसिड जैसे ही आप लिखोगे तो टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला अपन को पता होता है, तो अपन ऐसे लिखेंगे टार्ट्रिक एसिड। अब मॉलिक्यूल को देख के अपन को यह पता चल जाएगा कि उसमें सिमेट्री है, बन सकती है नहीं बन सकती, बन सकती है, आप यहां भी लिखोगे तब भी मुझे पता था कि इसमें सिमेट्री बन सकती है, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और एलिफेटिक टाइप में तो ये कायरल सेंटर हो गया, ये कायरल सेंटर हो गया, तो दो कायरल सेंटर में तो इसमें और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स है, सो इवन कायरल सेंटर्स, नंबर ऑफ कायरल सेंटर विद पीओएस, therefore 2 to the power of n minus 1 plus 2 to the power of n by 2 minus 1, मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा।
इसमें पर लिख लें कि भाई 2 to the power of n-1 मतलब 2 + 1 हो जाएगा, सो 3 लिखूंगा, 3 लिखूंगा तो अविल रिक गए तो हमको पता है 3 कैसे लिख रहे हो आप, सी ओ एच लिखोगे, एच लिखोगे, एक तो ये लिखोगे आप है ना, ये और एक लिखोगे आप ऐसे लिखोगे, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, सो इसके 2 काउंट करूंगा मैं डीएल, ये और इसका मिरर इमेज, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है इसलिए मैं इसको एक ही काउंट करूंगा यही, क्योंकि इसका मिरर इमेज आइडेंटिकल होगा, दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से अपन ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल रहे हैं। तो डीएल में मतलब सारे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बस हमें ये पता हो कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो हम उसे डीएल बोलते हैं। सर आपकी आवाज को कुछ हो गया, लो आ रही है वो काफी। हाँ सर, ठीक है ना, सो वी गॉट दैट, नाउ वी कैन राइट द अदर पार्ट, दैट इज सी एच थ्री। सपोज मेरे पास सी एच ओ एच गिवन है, सी एच ओ एच गिवन है, सी एच ओ एच गिवन है और सी एच थ्री ऐसे गिवन है, तो इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स अगर हम काउंट करेंगे तो विल राइट लाइक दिस, अपने पास ऐसे गिवन है सी एच थ्री सी ओ एच ना, 3 कायरल सेंटर्स बना सकते हैं, तो अपन देख लेते हैं कैसे। इसको देख के मुझे ये तो पता चल रहा है कि यहां से मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री बना सकता हूं, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स अगर मैं काउंट करना है तो एक बार तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक ही आइसोमर होगा और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है अपन को, तो अपन इसको ऑप्टिकली नेगेटिव बोलते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं CH3C, इसको OH लिख लेते हैं, इसको H लिख लेते हैं, इसको OH लिख लेते हैं और इसको H, इसको OH लिखते हैं और इसको H लिखते हैं और इसको CH3, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिस प्लेन से आप इस मॉलिक्यूल को कट करोगे वो प्लेन के एटम को भूल जाना आप, जिस प्लेन से आप इसको कट करोगे उस प्लेन के एटम को भूल जाना, तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम दिखना चाहिए, इधर OH है इधर OH है, इधर CH3 है इधर CH3, इधर H है इधर H है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, राइट। अगर अपन इसको ऐसे लिखते हैं तो फिर अपन कहेंगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, सो इफ आई राइट लाइक दिस और एक अपन ऐसे लिख लेते हैं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिखेंगे ना इधर से, तो इधर H है इधर OH है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसके 2 आइसोमर बनेंगे, दैट इज DL, राइट। तो अपन कहेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और अपन लिखेंगे अगर ऐसा लिखा तो सपोज करेंगे अपन की भाई इसमें H और इधर OH है, इधर H है और इधर OH है, और इधर वो अच्छा और इधर अच्छा, तो फिर कहेंगे ये तो मिरर इमेज बना दिया आपने, वो डीएल में काउंट कर चुका, इसलिए जरूरी नहीं कि हम वापस बनाए उसे, या अपन कहेंगे कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे बना रहा था, ये ऐसे बनेगा तो ये तो हो सकता है ना, इसमें मैं ऐसे तो कर सकता हूं ना, इसको ऐसे रखते हैं और इसको इधर ऐसे कर लेते हैं, इस टाइप से बनाऊं तो, क्योंकि इस टाइप से अभी तक आपने एक भी नहीं बनाया, तो अपन कहेंगे ऐसे थोड़ी होता है, अपन क्या करेंगे इसको ना किसी एक ही मॉलिक्यूल को उसकी उसी के प्लेन में रोटेट कर सकते हैं, अगर अपन इसे रोटेट करेंगे ना इसी के प्लेन में विल गेट दिस, मतलब ये दोनों आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, तो अपन इसको नहीं बना सकते बिकॉज ये कायरल सेंटर है इसमें और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसको अपन सूडो कायरल सेंटर बोलेंगे, क्योंकि इसमें ना ये कायरल सेंटर है जिससे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम तो अटैच्ड है लेकिन मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, दैट्स व्हाई वी आर काउंटिंग इट एज अ सूडो कायरल सेंटर, तो उसको कायरल सेंटर जैसे काउंट करेंगे, बट ये वाला काउंट नहीं करेंगे अपन, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज है और ये तो आइडेंटिकल बनाया आपने, क्योंकि अगर हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं इसी के प्लेन में तो विल गेट द सेम मॉलिक्यूल, तो ये और ये आइडेंटिकल है, इवन दिस इज नॉट अ मिरर इमेज ऑफ दिस, तो अपन बता सकते हैं कि भाई इसमें ऑड नंबर लिखा था अपन ने, तो ऑड नंबर में तो 2 to the power of n-1 + 2 to the power of ऑप्टिकल आइसोमर्स ना n/2 - 1/2 माइनस लिखेंगे पहले अपन एंड देन प्लस 2 टू द पावर ऑफ n/2 - 1/2 ये लिखा था,
और अगर टोटल पूछा था तो अपन ने 2 to the power of n-1 लिखा था, तो n कितना था 3, तो अपने पास 4 आ रहे हैं। तो एक ऑप्टिकल आइसोमर ये होगा, ये ऑप्टिकल आइसोमर होगा, और ये डीएल के दो ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे, तो ये अपने डीएल के दो ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो टोटल हो गए 4। तो क्या ऑप्टिकल आइसोमर में ऑप्टिकली इनएक्टिव भी काउंट करना है? हाँ, मीजो कंपाउंड इज अ ऑप्टिकल आइसोमर। मीजो कंपाउंड हम सभी को नहीं बोलते कि प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया तो मीजो कंपाउंड है, अपन मीजो कंपाउंड किसको बोलते हैं? मीजो कंपाउंड वही हो सकता है जिसमें उसका कोई तो आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, then it is called a meso compound. तो इसमें ये meso compound है, ये meso compound है, और इनको meso इसलिए बोल रहे हैं because इसका एक arrangement optically active हो सकता है। तो ये meso compound है, so it is a optical isomer. All meso compound will be counted as a optical isomers. ये भी optical isomer है, ये भी optical isomer है, और ये दोनों भी optical isomer है, so total number is 4. This will be 2 because ये दोनों optically active है, and this will be 2 because वो भी optically inactive है। तो ये अपन बोलते हैं optically active है, ये दो हो गए और दो optically inactive होंगे, total अपन 4 बताएंगे। We'll write like this. So this is about the right now. We can say that optical isomers. अब optical isomers में we can write like this also. अब जैसे अपन से पूछेंगे सर जो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मेरे पास एक क्वेश्चन है तो, और उसमें कहा कि भाई कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग। हेलो, मुझे सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करनी है, ये ध्यान रखना कि अपन सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में विल राइट दैट कि भाई सपोज हमारे पास ऐसे गिवन है, एक मॉलिक्यूल अपन ऐसे ले लेते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, एक मेरे पास ऐसे गिवन है और इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे वो बताने हैं आपको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उनको सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करके बताने हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड। सर हम ऐसे वाले कर चुके हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द मॉलिक्यूल। हेलो सर, सर सर को अपना आवाज नहीं जा रहा है सर। कोई फोन कर दो सर को फिर। हेलो सर, सर चैट भी नहीं देख रहे। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड। क्या आवाज नहीं आ रहा? मेरा आवाज तो आ रहा है ना। हेलो हेलो सर, आवाज आ रहा है? हेलो सर। हेलो सर, नहीं। हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है ना? आपका आवाज आ रहा है सर, हमारा आवाज नहीं आ रहा मुझे। रुको, मैंने म्यूट तो नहीं किया, ये चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना? एक मिनट रुको, म्यूट ऑल तो है। हाँ, अनम्यूट कर रखा है मैंने सभी को, देखो अभी बोलो। हेलो, नहीं तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा। हेलो 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 सर। अरे अपना आवाज अपन सबको आ रहा है पर अपना आवाज एवाईडी सर को नहीं आ रहा। हाँ समझा समझा। कोई वीडियो खोल के ऐसे हाथ से दिखाओ। वापस बोलते ना मीटिंग एंड करके वापस स्टार्ट करना।
मुझे तो तुम सबको आवाज नहीं आ रहा, मेरा आवाज तो सबको आ रहा होगा। सर को चैट में लिखे भेजो सर को कुछ तो। अपन रुको रुको रुको, ऐसे करता है अभी मैंने सबको म्यूट किया, अभी आ रहा है आवाज मेरी? अच्छा नहीं आ रहा अभी भी, रुको देख लेता देख लेता। अच्छा रुको, अलाउ द पार्टिसिपेंट टू। हेलो 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 सर, नहीं आवाज जा रही है। मीटिंग एंड करके मैं बोल रहा हूँ ना, मीटिंग एंड करके वापस चालू करते ना, एक घंटा भी पूरा है। सब लोग मीटिंग लीव करते हैं सर, फिर सर रिकनेक्ट करेंगे। अभी सर को अभी सर चैट ही नहीं पढ़ रहे। तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही। सर को बोल देते ना कि हम लोग मीटिंग एंड कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, नहीं तो इधर ग्रुप पे बोल देते सर मीटिंग। सर मैसेज नहीं देख रहे इसलिए डायरेक्ट लीव करते। समझ जाएगा। आ गया आ गया आ गया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ सर आपकी आ रही है, हमारी आ रही है क्या? नहीं अब तुम्हारी भी आने लगी। ठीक है सर। हाँ चलो, सर मैं बोल रहा था कि हमने ये वाले किए थे थर्ड और फोर्थ वाले टाइप के। कोई बात नहीं, तो फटाफट अपन लिख देते हैं थर्ड और फोर्थ वाले टाइप के। तो मेरे ख्याल से ये तो टू हो जाएगा आंसर, इसका फोर हो जाएगा आंसर, इसमें और इसमें आंसर बता दो, ये भी अपना आंसर फोर हो जाएगा। ये तो अपन ने कैलकुलेट कर रहे थे, एक बार सारे ऊपर होंगे तो ज्योमेट्रिक लाइसोमर्स ना, एक बार सारे अपन ऐसे बना लेते हैं, एक ही तरफ बना लेते हैं, और एक बार अपन बना लेते हैं कि इसको ये अपोजिट में एक ऊपर एक नीचे और एक साइड में एक ऊपर एक नीचे एक बना देते हैं, एक ऐसे बना देते हैं, एक ऐसे बना देते हैं। मेरे ख्याल से तीन बन गए इसको, ये कैसे बना लेते हैं और ये कैसे बना देता है। ये वाला भी होगा काउंट? नहीं ये वाला नहीं होगा, ये दोनों सेम ही होंगे, दो होगा है ना, ये दोनों सेम ही होंगे क्योंकि जैसे अपन लिखेंगे ना अपोजिट में मतलब ऊपर नीचे है ना। नहीं सर अलग है। नहीं रुको, मैं क्या सोच रहा था कि ये दोनों कैसे होंगे, साइड में होंगे ऐसे, ये दोनों साइड में होंगे लेकिन इसके अपोजिट में नहीं है, इसके अपोजिट में है तो तीन होंगे, बना लिया है ना। वैसे अपन इसमें भी बना लेंगे, ये वाले टाइप के अपन ने काफी किए हुए हैं तो इसको बना लेना अपने आप। अब मैंने डायरेक्टली अपन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पे चलते हैं, सो स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर लेते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स, इनके स्टीरियो आइसोमर पूछोगे तो यही बता दूंगा लेकिन ऑप्टिकल काउंट करना पड़ेगा फिर, तो चलो देखते हैं अपने ऑप्टिकल भी काउंट करते हैं। इसका नंबर बता देना, डी वाले का कितना आया, डी वाले का नंबर कितना आया? बनाना पड़ेगा मुझे, कर रहे हैं सर। अच्छा सॉल्व करो डी वाला, इसका चार आया है ऐसे। ठीक है, ये होगा ना ऐसे, राइट ना, ये सिज है और इसको ऊपर बनाएंगे तो ट्रांस हो जाएगा ऐसे, ये ट्रांस हो जाएगा। तो ऐसे बना सकते हैं, एक्चुअली रिंग इतना बड़ा है ना कि इधर से इससे भी बना सकते हैं, ये छह आ रहा है सर डी वाले में, डी वाले में, और इससे भी बता सकते हैं, ये दो साइड हो गई फिर अपने लिए, तो इसमें छह आ रहे हैं। फिर देखो अगर किसी का चेंज आ रहा हो तो मुझे बता दो, तो फिर मैं बनाऊंगा, नहीं तो सिक्स आंसर लेके अपन आगे करते हैं। ठीक है, मुझे लगता ठीक ही होगा, छह बनाया होगा तो सबके आ रहे छह। अरे बोलो भाई,
एक बार फ्लोरीन ऊपर, एक बार क्लोरीन ऊपर, तीनों के, फिर एक बार फ्लोरीन और दोनों फ्लोरीन साइड में ऊपर, एक बार दोनों, एक फ्लोरीन एक क्लोरीन, और एक बार एक फ्लोरीन एक क्लोरीन अपोजिट में, छह आ रहा सर, छह आ रहे हैं, छह बन गए इसलिए, ठीक है, छह बन रहे हैं। सो ईआर बस, ठीक है ना। चलो अपन देखते हैं इसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स, एक तो नंबर ऑफ आइसोमर्स अपन ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, एक अपने पास ऐसे भी बने, तो इसमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करना है, तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर साइड ना, ये तो बड़ा इजी हो जाएगा, एक कायरल सेंटर ये है, एक स्टीरियो सेंटर ये है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से दिख नहीं रही है, तो 2 टू द पावर ऑफ n दैट इज 2 टू द पावर ऑफ 2, सो 4 है ना, दूसरा चेक कर लेते हैं। और अगर अपन को बनाना है तो अपन ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें चार जो होगा वो होगा आर और इधर लिख लेते हैं सिस, या जेड और ई से कर लेंगे, आर जेड एस जेड, आर ई एस ई, चार बन गए, ठीक है ना। सेकेंड वी कैन राइट दैट, अपन ऐसे लिख सकते हैं, सपोज नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, लेकिन दो क्लोरीन के साथ ये तो फिक्स है, मतलब साइक्लोब्यूटेन में आप कुछ नहीं कर सकते, 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, तो कितने बनाएंगे अपन, 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, अब साइक्लोब्यूटेन को चेंज नहीं कर सकते, तीन आएंगे ना सर, तीन आएंगे, एक मीजो होगा, बट 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में अपन लिखेंगे दैट इज एक सीएल इधर एक सीएल इधर, तो अपन कहेंगे दोनों एक बार ऊपर ले लेते हैं तो ये मीजो हो गया, बिल्कुल, और अगर अपन इसको ऐसे लेते हैं तो ये इसमें मीजो हो जाएगा, है, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी डाइक्लोरो में, ठीक है ना, ये नहीं होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसका डीएल हो जाएगा, बिल्कुल तीन हो जाएगा अपना आंसर, सो आंसर इज थ्री, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन राइट इज नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, सर उसमें दो कायरल सेंटर है ना, हाँ दो कायरल सेंटर है ना, लेकिन एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बन सकती है इसमें, तो 2 टू द पावर ऑफ, फिर हमें इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1, 2 टू द पावर ऑफ n बाय 2 माइनस 1, अच्छा ठीक है ठीक है, नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, क्लोरीन्स कैसे अटैच है सर डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन में, फिर क्या होगा ना, आपने साइक्लोब्यूटेन को ड्रॉप किया ना, तो दो क्लोरीन लिखो ना, ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ, अच्छा अच्छा सब मतलब कंसीडर कर, हाँ सारे कंसीडर करने पड़ेंगे ना, क्योंकि अब आपने फिक्स नहीं किया ना, या नंबर फिक्स किया था इसलिए वो डिफरेंस के लिए मैंने दिया उसको, छे तो आइसोमर पूछा है तो इसको भी काउंट करूंगा, इसका मीजो होगा वो ऊपर बने हुए हैं, मीजो होगा और डीएल होगा, तो तीन इसके हो गए और एक चार, इस केस में क्या होगा, इसमें नहीं आएगा मीजो एंड डीएल दोनों ही मीजो, मतलब हाँ इसमें मतलब एक में प्लेन आ रहा है दूसरे में सेंटर आ रहा है सिमेट्री, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये किसी भी कंडीशन में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, हाँ
हाँ नहीं ठीक है, फिर क्या करें? कितने काउंट कर लें? सिस्टर्न्स तो काउंट करें क्या सर? सब टोटल छह हो जाएंगे। वो सिस्टर्न्स हाँ। कैसे किया? ये सिस्टर्न्स तो हो गई ना, ये दोनों सीएल एक बार ऊपर तो सिस हो जाएगा। हाँ 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 पक्का ना? और ये अपना ट्रांस हो जाएगा ऐसे। हाँ सर ठीक है ना, तो सिस्टर्न्स तो कंसीडर करेंगे। चल ठीक है। अच्छा मेरे पास ऐसे के बने नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ब्रोमो क्लोरो क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, ब्रोमो क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। ब्रोमोक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन सात आएंगे। कितना है? एक तो अपन ऐसे बना लेते हैं ब्रोमोक्लोरो। हाँ बराबर है, सात आएंगे। सात आ रहे, और एक बार इसको ब्रोमोक्लोरो ऐसे बना देते हैं, एक बार ब्रोमोक्लोरो ऐसे बना देते हैं। इसका एक आएगा, इसके चार आएंगे क्योंकि अब इसमें क्लिनोसोट्री नहीं बनेगी, इसके दो आएंगे। क्यों? अगेन द सीजन ट्रांस ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, भाई इसमें तो क्लिनोसोट्री रहेगी रहेगी ना। हाँ रहेगा ना, तो इसके दो ही बनेंगे, इसके चार बनेंगे। एक बार ऐसे लिखो, तब भी इसमें प्लेनोसिमेट्री नहीं है, सो चार बनेंगे, दो कायरल सेंटर्स। और अगर ट्रांस भी लिखोगे तब भी प्लेनोसिमेट्री नहीं है, तो भी इसके चार बने, तो भी इसके दो बनेंगे, तो टोटल चार हो गए। चार नहीं समझे सर, ये वाले दो दो वाले, हाँ। ये और इसका मिरर इमेज दो बन गए ना। एक तो बीआर बीआर और सीएल ऊपर दोनों ये जैसे बना आपने, बीआर ऊपर और सीएल नीचे, इसके दो काउंट करूंगा ना, ये और इसका मिरर इमेज, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो इसका डीएल काउंट करो। हाँ और फिर इसका ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका भी डीएल काउंट करो। हाँ तो टोटल चार हो गए ना उसके, और एक बीआर ऊपर और सीएल नीचे वाला। कौन सा बीआर ऊपर और सीएल नीचे? ये है तो वो ट्रांस ही तो हुआ। हाँ तो वो एक ही बात हुई ना भाई, इसको ट्रांस लिखोगे आप, लिखोगे ना ट्रांस, तो ये भी तो ट्रांस ही है, घुमा दो उसको ऊपर की तरफ ऐसे। आप सोच रहे ऐसे ही बना दो, ये तो एक ही बात है ना, ये ट्रांस ही तो है, अलग कैसे हुआ? अच्छा मतलब तो सिस्टांस और डीएल, तो ट्रांस और डीएल में से सिर्फ एक को ही लेना है ना दोनों में से। हाँ बट इसको ऐसे है ना, अगर मान लो मैं रिंग को ऐसे देख रहा हूँ, तो तुम कह रहे मैं यहाँ से देखूंगा, मैं कह रहा हूँ या यहाँ से देखूंगा, एक ही बात है वो तो भाई, रिंग हमेशा ऐसे थोड़ी देखी जाती। हाँ पीछे से देखा तो हाँ ठीक है, तो ये दोनों तो सेम हुए ना। ठीक है, इसलिए मैंने कहा इस कंपाउंड में दो कायरल सेंटर थे और क्लिनोसिमेट्री हो नहीं सकती, टू टू द पावर ऑफ एन हो गया, चार बन गया इसको। क्योंकि सर आपने बोला था कि मॉलिक्यूल को उसी के प्लेन में रोटेट करेंगे, तो सिमिलर आएगा है, तो हम लोग सेम सेम बोलेंगे ना। बिल्कुल बोलेंगे इस टाइप के मॉलिक्यूल में, इसमें तो, हाँ, तो इसमें हम लोग ने बोला कि ट्रांस है इसलिए सेम सेम है ना, इसको रोटेट किया उसी के प्लेन में तो वैसा नहीं दिख रहा, सेम सेम नहीं दिख रहा। लेकिन अपन रिंग है ना वहां पर, रिंग अब रिंग को तो मैं कहीं से भी देख सकता हूँ ना, तो ऐसे थोड़ी लिखूंगा कि ये दोनों ऊपर, फिर एक दोनों फिर, तो इसको भी काउंट करो, ये भी अच्छा
रोटेट तो करो, फिर इसको भी काउंट कर लेते हैं फिर। तो ये और ये तो सेम है ना? हाँ, तो इसको मैं से किसी एक को ही काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इसके चार हो गए, एक बार डीएल जब से है और ट्रांस है तो डीएल है, मतलब चार हो गए, ट्रांस है तो भी डीएल है, सेज है तो भी डीएल है। फिर अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो कितने होंगे सर? थर्ड वाले का सिर्फ दो कैसे है वो एक बार बता दीजिए। कौन से? सिर्फ थर्ड वाले के दो? हाँ सिर्फ वही, बट कैसे है? सिर्फ दो, सिर्फ। अच्छा इसके ना, हाँ तो ये आया ना, एक बार इसको सिज लिख लो तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्लेनम सिमेट्री है ना ऐसे। अच्छा ठीक है, समझा। ओके सर, एक मिनट में लिख भी देते, अपन लिख भी लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? मान लो बाद में रिवाइज करेंगे, अभी तो आपने बता दिया, बाद में रिवाइज किया तो प्लेनम सिमेट्री है ये अपन को पता रहेगा, ठीक है भाई? जो भी अपने डाउट है उसको वहां लिख देना कि ऐसे बताया था सर ने, यही मेरा डाउट था तो अब नहीं होगा। अब नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ब्रोमो क्लोरो साइक्लोपेंटेन, ब्रोमो क्लोरो साइक्लोपेंटेन, सर आपने जो मुझे बोला ना सेकेंड वाले में कि हम लोग ने रिंग को पीछे से देखा तो वो सिर्फ रिंग के लिए वैलिड है ना? हाँ। और इसमें अगर अपन से ज्योमेट्रिक आइसोमर पूछते ना, इसमें आइसोमर्स आ रहे हैं 7, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स आ रहे हैं 4, हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव 4, ऑप्टिकल आइसोमर्स आ रहे हैं 6, छे क्यों? 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स बस, ये तो मीजो भी नहीं हो सकता ना। मैंने इसमें ना फोर्थ वाले में उसको रुकना है, फोर्थ वाले में मैंने कहा आइसोमर्स आ रहे हैं 7, क्वेश्चन नंबर 4 में मैं लिख देता हूं, है फिर आप कंपेयर कर लेना, आइसोमर्स 7, ऑप्टिकली एक्टिव 4, ऑप्टिकल आइसोमर 4, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4, स्टीरियो आइसोमर 6, ये देख लेना, मतलब इसके लिए मैंने ये लिखा हुआ है। फोर्थ वाले में वो चेक कर लेना कि क्या पूछा हमसे। मीजो होगा तभी ऑप्टिकली इनएक्टिव में काउंट करेंगे ना, वरना सारे ऑप्टिकल तो ऑप्टिकली एक्टिव ही होंगे ना। बिल्कुल, ये मीजो भी नहीं बन सकता ना। हाँ सर वो तो नहीं, ठीक है ना? सर 9 आ रहे हैं इस वाले के 9 आ रहे हैं, एक बार देख लेता हूं मैं, क्योंकि बस इससे अपने काफी काम हो जाएगा इससे। सो एक क्लोरो एक ब्रोमो, ये तो एक ही बनेगा, और ठीक है ना, इसमें एक क्लोरो एक ब्रोमो लिख लेते हैं अपन, एक क्लोरो एक ब्रोमो इसके लिख लेते हैं अपन, एक क्लोरो एक ब्रोमो यहाँ लिख लेते हैं अपन, और बस इतना ही बनेगा ना इसमें, एक क्लोरो एक ब्रोमो, इसका एक, इसका 4, इसका भी 4, मतलब इसमें सिस में डीएल और ट्रांस में डीएल, तो उसका भी सिस में डीएल ट्रांस में डीएल, ठीक है 9 बन रहे हैं इसके। हाँ सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है ना उसमें, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है तो अब ये रिपीट रहेगा।
ठीक है, सो वी कैन से दैट आइसोमर 7 ऑप्टिकली एक्टिव 4. अब इसमें भी कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, है ना, इसमें भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं फिफ्थ वाले के लिए. तो इसमें अगर मान लो आइसोमर पूछे तो अपन 9 लिखेंगे फिफ्थ वाले में, है ना, और ऑप्टिकली एक्टिव 8, ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी 8, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी सिस्ट्रॉन सिस्ट्रॉन 4, स्टीरियो आइसोमर्स विल बी 8. ये सर मुझे एक डाउट था, पूछना था कि अगर मतलब कोई कंपाउंड दिया है उसमें मतलब सब मान लेते हैं मतलब कि एक डबल बॉन्ड है और एक ऑप्टिकली रुक जा मतलब अभी खत्म नहीं हुआ ना भाई. पहले जब तक कंसेप्ट तुमको ठीक से नहीं आएगा मैं कुछ भी पूछना क्यों शुरू कर दूंगा. मुझे खत्म तो करना है, तो फिर उसके बाद अपना डाउट लिख के रखो कि आपने बोल दिया हाँ हो गया क्वेश्चन, तो उसमें मेरा क्वेश्चन बताओ अब आप. हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था. इसी में अगर डाइक्लोर होगा तो दोनों में मीजो मीजो उसमें बन जाएगा ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी. फिर इसके 3 बनते हैं, इसके भी 3 बनते हैं. ठीक. वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा कम कर रहा हूं मैं कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाए, इसलिए मैंने आपको पहले सारे कंसेप्ट साइक्लोब्यूटेन से बता दिए, आपको सारे पॉइंट्स बता दिए. अब एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, बस ये हो गया. ठीक है ना, तो अगर इसमें दोनों मतलब डाइक्लोरो होता है तो फिर अपन उसमें 7 बोलते हैं. सर वो मीजो को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर लेंगे ना, एक्टिव नहीं लेंगे. तभी तो इसको नहीं लिया अपन ने, क्योंकि इसका तो मीजो भी नहीं बन सकता. मीजो मतलब ऑप्टिकल आइसोमर है ना. बिल्कुल, मीजो इज ऑप्टिकल आइसोमर. और एक सर डाउट था, ये जैसे कि साइक्लोपेंटेन वाला क्वेश्चन है, उसमें वो जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है जैसे कि सीएल और बीआर है उसको कंसीडर नहीं करेंगे ना, बस उसके मतलब सिस ट्रांस और डीएल डीएल कंसीडर करेंगे ना. किसको, इसको नहीं, वो उसको कंसीडर किया उसके बाद जो जिसका ऑप्टिकल आइसोमर है ना सीएल और बीआर वाला, तो उसका सिस ट्रांस और डीएल डीएल कंसीडर करेंगे ना, ये बना हुआ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करेंगे ना. नहीं, वो ऐसे कैसे बन सकता है, ये दोनों एक ही बोर्ड के प्लेन में थोड़ी आ सकते हैं. तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, या तो वो सिस के फॉर्म में होगा या फिर ट्रांस के फॉर्म में होगा. चल एक और पूछ लेता हूं. अच्छा, नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन. आया 9 है, 9 आ गए. चल देखते हैं, एक तो ये बन गया. 10 आए, 10 आ गए. चलो देख लेते हैं, एक सीएल इधर और एक बार सीएल इधर और एक बार सीएल इधर. इसका एक बनेगा, इसके 3 बनेंगे, इसके 3 बनेंगे और इसके 2 बनेंगे. सर बीच वाले के सेकंड वाले के 3 क्यों? हाँ इसमें बना ही जाता मीजो एंड डीएल. सर प्लेन ऑफ सिमेट्री किधर है? ये नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री. रिंग के प्लेन से भी काट सकते ना? नहीं. हाँ कर कर हाँ. ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री. हाँ सर दिख गया. मीजो एंड डीएल ना,
इसमें मीजो भी नहीं बन सकता। इनके लिए ये लिख दो इनके लिए ये वाली पार्ट लिख दो जरा। सर वो रिंग के प्लेन से क्यों नहीं काट सकते वो एक बार इसको ना रिंग के प्लेन से काट। हाँ रिंग के प्लेन से, रिंग के प्लेन से अगर आप कट करोगे तो फिर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना। अच्छा अरे समझ गया। लिखा नंबर ऑफ आइसोमर्स 9, ऑप्टिकली एक्टिव 4, ऑप्टिकल आइसोमर्स 6, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसका सिस्ट्रांस इसका सिस्ट्रांस इसका सिस्ट्रांस 6 और स्टीरियो आइसोमर्स 8। पक्का ना यही नंबर्स आए? हाँ सर मेरे ख्याल से सबको समझ में आया। अगर नहीं आया तो भाई पूछ लेना जो भी है। स्टीरियो आइसोमर 8 के थे। स्टीरियो आइसोमर 8 के थे। ये सिस्टम सिस्टम से 6 हो गया ना। देख ना रुक जा। स्टीरियो आइसोमर मतलब ऑप्टिकल भी काउंट करो और स्टीरियो भी वो उसमें ज्योमेट्रिकल भी काउंट करो तो ऑप्टिकल में तो मीजो भी आता है ना। हाँ ठीक है सर। और एक बार ज्योमेट्रिकल वाला बता दीजिए ना। ज्योमेट्रिकल वाला इसको हटा। इसका सिस्टर ट्रांस इसका भी सिस्टर ट्रांस इसका भी सिस्टर ट्रांस हो गए छे। बस इसका जब सिस्ट था तो मीजो था और जब ट्रांस है तो डीएल। हाँ सर समझ गया। हाँ जी इसमें क्या करें? सर उसमें आइसोमर्स ही पूछा है ना। हाँ मतलब इसके फिक्स्ड है जो वो तो फिक्स्ड है पर को आइसोमर्स पूछने हैं। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बता दो मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल सारे ही बताने हैं।
तो सर सेवेंथ के छह ही आ रहे हैं। इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं सर? एक सेकंड, वो अपने उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने लिखे थे? किसमें? इस वाले ये में? जो हाँ ऑप्टिकल आइसोमर्स मैंने लिखे थे, दैट इज 6। अच्छा सात आएंगे ना सर? मतलब पहले वाले में देखेंगे तो तीन होंगे। हाँ हाँ वो तीन होंगे, फिर उसके बाद वाले में भी तीन होंगे। हाँ फिर उसके बाद वाले में दो होंगे। हाँ तो आठ आठ हो गए ना? क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स? हाँ इसका कैसे बनाएगा ऑप्टिकल आइसोमर बता। अच्छा हाँ उसका तो हो गए ना। हाँ बराबर है, इसका मीजो नहीं बन सकता, वो ऑप्टिकल आइसोमर भी नहीं है। हाँ सर दो आ रहे हैं ऑप्टिकली एक्टिव इसके। हाँ मुझे नहीं लगता इसका कोई ऑप्टिकली एक्टिव आएगा यार, मैंने कुछ ज्यादा ही बना लिया क्योंकि मैंने सोचा कम में अपन मतलब सारी कंसेप्ट आ जाएंगे अपने, पर उसके बाद अपन थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे। चलो देखते हैं अपन। वैसे इसके बना रहा हूँ मैं सेवेंथ वाले के, एक बार मैंने सारे एक ही तरफ ले लिया, एक बार मैंने दोनों सीएल को एक तरफ ले लिया, एक बार ऐसे कर लिया अपन ने, एक बार अपन ने ऐसे कर लिया, दो सीएल ऐसे कर लिया और दो को ऐसे रखा, और एक बार अपन ने दो सीएल ऐसे ले लिया और एक बार अपन ने सीएल ऐसे ले लिया। ये है अपने पास, ठीक है ना? अब अपन क्या करेंगे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव प्लेनर सिमेट्री, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव प्लेनर सिमेट्री, और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव प्लेनर सिमेट्री, सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आइसोमर्स तो मैं बोल सकता हूं चार आ रहे, लेकिन इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कोई भी नहीं है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जब एक्टिव हो ही नहीं सकता ये, तो ऑप्टिकल आइसोमर कैसे बताओ? आइसोमर्स तो इसके चार आ रहे, ये जीरो है, ये जीरो है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिसमें अपन को सिस और ट्रांस बताना है, ये तो पूरा सिस था, इसमें सिस ट्रांस कॉम्बिनेशन है, इसमें सिस ट्रांस अपोजिट में कॉम्बिनेशन है, इसमें भी सिस ट्रांस कॉम्बिनेशन है, तो जितने जो बन सकते हैं वो ज्योमेट्रिकली बन सकते हैं बस। सर जो उसमें चौथा वाला लिखा है आपने जिसमें मतलब दो, हाँ वो वाला, उसमें मैं एक कार्बन मतलब ऑप्टिकल एक्टिव बोल सकता हूँ ना चारों कार्बन्स को? लेकिन मतलब मीजो है लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बोल सकते आप उसे, वो मीजो है ही नहीं ना। मीजो कैसे बोल सकते हैं उस कंपाउंड को अगर उसका कोई भी फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो? अच्छा कोई भी बराबर कोई दूसरा है ही नहीं उसका तो, मतलब लेकिन उसमें मतलब काइरल कार्बन है तो भी हम नहीं बोलेंगे उसको, मतलब क्योंकि देखिए तो हर एक काइरल कार्बन मतलब नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज, इट इज नॉट दैट कि आप उसको वो कंप्लीटली ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, जैसे टार्ट्रिक एसिड था, मीजो टार्ट्रिक एसिड उसमें दोनों कार्बन काइरल थे, चार डिफरेंट रूप, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव थोड़ी था वो। अच्छा तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी है नहीं, तो टोटल आइसोमर्स अपन ने चार लिखे इसमें। सर इसमें एक डाउट था कि अगर इसमें से कोई भी मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर ऐसा आता कि इसमें से मतलब मैक्सिमम फॉर्म्स मतलब पीओस की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन कोई एक फॉर्म होता जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाती तो हम लोग मीजो बोलते क्या? तो कितना मीजो बन सकता तो एक ही कंपाउंड को मीजो में काउंट करते ना उसी, मतलब मीजो काउंट कर लेते अपन जो भी बनाते हैं उसका, उसको मीजो में काउंट करते हैं उसको जिसमें आप बता रहे हैं कि वो मीजो है। सारे मीजो थोड़ी बताते हैं सर, जिस उसमें एक क्लोरीन ऊपर है और बाकी तीन नीचे, उसको ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं बोला? ये वाला? हाँ सर ऐसा। हाँ बोलो ना ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें बस पीओएस है। ओके ठीक है, पक्का ना? सबको अपन को समझ, मतलब एक तरीके से ये है आपके अपन ना गलती ना करें बस। अच्छा ऐसे हम गलती कर सकते थे, ये नहीं करेंगे अपन।
अब चलो अपन इसकी बात करते हैं। इसमें आपने एक फ्लोरीन डाल दिया, ठीक है, एक बार सीएल को ऊपर लिखा, बटाई है तो अपन ऐसे हटा लेते हैं, एक बार फ्लोरीन को ऊपर लिखते हैं, एक बार क्लोरीन को ऊपर लिखते हैं, फिर एक बार अपन फ्लोरीन और क्लोरीन को ऊपर लिखते हैं। एक बार मैं फ्लोरीन और क्लोरीन को अपोजिट में ऊपर लिखता हूं, और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? नहीं बन सकता। तो चलो चेक करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मुझे चेक करना पड़ेगा। इसमें इधर से लिखूंगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इधर से लिखूंगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इधर से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इधर से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। ये अगर मैं ऑप्टिकली एक्टिव लिखूंगा तो चलेगा? हाँ सर। अपन देख लेंगे एक बार, मैं तो चेक कर रहा हूँ यार, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए अपन से, बस दैट्स ऑल। मैं किसी भी तरीके से इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बना पा रहा हूँ। इसमें मुझे कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही है, सो ऑप्टिकली एक्टिव है। इसकी बात करते हैं अपन। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये टोटल आइसोमर्स हो गए अपने, हैं? तो जो ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव था, है ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों? क्योंकि यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये दोनों सेम हो गए ना। तो अपन कहेंगे भाई इसका डीएल काउंट करूंगा, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो डीएल काउंट करूंगा। तो फिर नंबर ऑफ आइसोमर्स हो गए 1, 2 + 2, 4 + 2, 6 और 1, 7 सेवन आइसोमर्स। ऑप्टिकली एक्टिव 4, ऑप्टिकल आइसोमर्स ये मीजो, ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला ये प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, वरना मैं किसी एक फॉर्म इसको ऑप्टिकली एक्टिव बना सकता हूं। तो इसमें कायरल सेंटर तो है ना, ये कायरल सेंटर है नहीं है पहले वाले में भी, रुक तो जा, कायरल सेंटर मतलब उसमें होना भी तो चाहिए ना। इसमें ना चार डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं क्या? हाँ सर, फ्लोरीन, फ्लोरीन से अटैच कार्बन के एडजेसेंट वाला कार्बन देखो मैं, ये वाला ना, हाँ वो तो दोनों में सीएल है ना, तो कैसे अलग हुआ? इसमें कायरल सेंटर आ रहा है क्या? हाँ सर, एक तरफ क्लोरीन, एक तरफ फ्लोरीन है। हाँ क्लोरीन से हुआ। अच्छा ये क्लोरीन से बन जा रहा है। हाँ वो हाँ, तो कायरल सेंटर तो ये भी मिस हो आएगा, और ये मीजो आएगा उसमें। हाँ ना, तो ऑप्टिकल कायरल सेंटर्स चेंज होंगे अगर, तो मीजो बोल सकते हैं, कायरल सेंटर चेंज होंगे। हाँ कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ये किसने कहा कि तुम फ्लोरीन को ही कायरल सेंटर लेना? अपन ने कभी नहीं कहा। इसमें अपन ने कब कहा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी में फ्लोरीन के कायरल सेंटर से कैलकुलेट कर रहा हूं? मैं तो मॉलिक्यूल के नॉन सुपरइम्पोसिबिलिटी से चेक किया अपन ने। अपन ने इसमें कायरल सेंटर थोड़ी चेक किया, अपन ने तो पूरा मॉलिक्यूल नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर में चेक किया। तो 1, 2 क्या चाहिए अपन को? ऑप्टिकल आइसोमर्स ना, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में 1, 2, 3 और +4, 7 ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ज्योमेट्रिकल
जो बने हुए हैं दिख रहे हैं बस वही है, पांच। स्टीरियो सात, ये है भाई। सर वो ऑप्टिकल आइसोमर वापस बताइए ना। जो मीजो होगा इसका कोई फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है क्या, ऊपर नीचे वेज डेस्क को चेंज करके? इसको अगर वेज डेस्क में चेंज करें तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है? इसमें प्लेनोसिमेट्री है ना? हाँ सर। लेकिन अगर मैं सीएल को ऊपर कर लेता हूं तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा ना? हाँ, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें प्लेनोसिमेट्री है भाई, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे मेसोटार्ट्रिक एसिड होता है ना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें प्लेनोसिमेट्री है। हाँ सर, ये वाला सब। हाँ, तो अगर मैं किसी एटम के पोजीशन को चेंज करूँ तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है ना? सर एक ही बार चेंज करेंगे ना, मतलब एक ही बॉन्ड को? बिल्कुल एक ही बार चेंज करेंगे। हाँ, तो ऐसे सर वो लास्ट वाला जो है ना, वो आपने ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला पीओएस की वजह से, लेकिन वो अगर हम लोग सीएल को ऊपर लिखते हैं नीचे वाले को, तो फिर उसका एक फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव आ रहा है, तो उसको भी मीजो बोलना चाहिए ना? बिल्कुल बोलना चाहिए। सर जब ऑप्टिकली एक्टिव में डीएल बोला था, उन्होंने कौन से काइरल कार्बन मतलब उसको लिया? अपन एक बार इसको काइरल सेंटर ले लेते हैं, एक बार इसको काइरल सेंटर ले लेते हैं। तो दो अलग अलग, ओके, सिर्फ दो मतलब दो ही आएंगे उसमें, डीएल ही आएगा? सिर्फ मॉलिक्यूल के चेक करेंगे हम लोग ऐसे? पूरा मॉलिक्यूल एज अ होल चेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है सर, क्योंकि अपन पूरा मॉलिक्यूल ऐसा होल चेक करेंगे ना। अपन ने लिखा था भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री, अपन चेक कर सकते हैं किससे? प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ, अपन ने काफी सारे कंपाउंड लिख लिए ना। मैं ऊपर वाले पार्ट को हटाता हूं ना, इसकी जगह नहीं, जरूरत नहीं है मुझे। सर इसमें ही मतलब मैं पूछूं कि नंबर ऑफ काइरल सेंटर्स तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ काइरल सेंटर्स, इसमें नंबर ऑफ काइरल सेंटर्स अगर अपन काउंट करेंगे ना, जैसे इधर है, तो इसमें तो अपन कहेंगे काइरल सेंटर इसको भी ले सकता हूं मैं, तो अपन इसमें काइरल सेंटर नहीं ले सकते, अपन को काइरल एक्सेस लेना पड़ेगा भाई। इससे एक काइरल सेंटर हो गया, इससे कोई भी काइरल सेंटर नहीं है, इससे कोई भी काइरल सेंटर नहीं है, एक ही काउंट करूंगा जो इससे काउंट किया था। तो इससे काउंट कर सकता हूं, इससे काउंट कर सकता हूं, और इससे भी काउंट नहीं कर सकता, तो दो काइरल सेंटर हो गए भाई। इसको काइरल सेंटर काउंट नहीं कर सकते आप, इधर सी एच, इधर सी एच, इससे सी एल, इससे सी एल, दोनों ही एक ऐसे कार्बन सेटास्ड हैं जो सी एल, तो काइरल सेंटर कैसे बोलूंगा? इसको नहीं बोल सकता, इसको भी नहीं बोल सकता। ठीक है सर, अभी मुझे इसमें पूछना था कि मतलब वो तो पहले वाले में दो है ना, अभी मतलब मैं मतलब जैसे जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स चेंज करते जाऊंगा तो काइरल सेंटर्स भी अलग अलग आते जाएंगे ना? नहीं नहीं, एक मिनट रुक जा, अभी वैसे और भी क्वेश्चन थे, अपन को मूव नहीं करना था, अपन ये नहीं भी हटाते, चपड़ी चलता देख। सर नहीं, एक एक वो था, जैसे आपने पहले वाले में एक काइरल सेंटर बोला ना, और उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल जैसे उसका मीजो बोल दिया, तो अभी हम उसमें जब सिस्ट्रांस मतलब बेसिकली तो वो उसका जो बनता है वो बाकी वाले हमने गिने है ना सर, सिस्ट्रांस में करके मतलब ऊपर नीचे करके उसके अलग अलग मॉलिक्यूल। अपन ने क्या किया है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पांच। हाँ सर, फिर समझ गया, समझ गया। पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ, उसके बाद ये चेक कर लो कि कितने ऑप्टिकली एक्टिव है, उनके डीएल काउंट होंगे, फिर अपन चेक करेंगे इन कंपाउंड में कि क्या इसमें कोई काइरल सेंटर है क्या। अगर काइरल सेंटर है लेकिन वो प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है, तो हम उसे मीजो कहेंगे। आप मीजो का डेफिनेशन चेक करो, ठीक है ना? अगर काइरल सेंटर है लेकिन वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, देन वी विल से दैट कि इट इज अ मीजो कंपाउंड। यही तो डेफिनेशन था।
सर हम लोग मीजो जो कंपाउंड बोल रहे हैं वो एक कैरियर सेंटर के हिसाब से बात करें ना, जिस कैरियर सेंटर से हम लोग ने देखा कि वो ऑप्टिकल बिल्कुल, बिल्कुल 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 आप एक ही कैरियर सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं मीजो के लिए, एक से ज्यादा। हाँ तो यहाँ पे एक केस हुआ ना कि जिस कैरियर सेंटर से मतलब ऑप्टिकली एक्टिव आ रहा था उससे मतलब मीजो नहीं मिल रहा था ना, वो कैरियर सेंटर ही नहीं था, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट वाला कैरियर सेंटर चेक किया ना सीएल वाला, सेकेंड वाले में अपने सीएल को कैरियर। हाँ हाँ नहीं आप कायरल सेंटर तो एक ही काउंट करोगे ना, ऐसे थोड़ी कहूंगा कि ये नहीं मिल रहा था तो सेकंड चेक किया फोर्थ चेक किया, पूरे मॉलिक्यूल में क्या कोई कायरल सेंटर है? एक भी कायरल सेंटर है क्या? हाँ लेकिन मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू प्लेनोसिमेट्री, देन इट इज काउंटेड एज अ मीसो। कोई भी कायरल सेंटर हो सकता है ना वो, कोई भी हो सकता है, मैं तो वही डेफिनेशन दे रहा हूँ ना आपको, पूरे मॉलिक्यूल में कहीं भी कोई भी कायरल सेंटर है क्या? अगर है तो अपन कहेंगे उसमें कायरल सेंटर है, और लेकिन उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है तो फिर वो मीजो है। तो सर ये क्वेश्चन में मीजो कितने कंपाउंड रहेंगे? अपन वही तो बोल रहे हैं, ये कायरल सेंटर है, एक हाइड्रोजन, एक सीएल, एक सीएचएफ और ये, लेकिन मॉलिक्यूल में क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो फिर ये मीजो है। सर एक में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और कायरल कार्बन दो होंगे तो दो मीजो बोल देंगे ना? नहीं, मीजो मॉलिक्यूल एक ही होगा, दो नहीं बोलेंगे। ओके ओके, मीजो इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल है, मीजो इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, कायरलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ठीक है सर, समझा। जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल बट कायरलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम। भाई कायरलिटी मतलब मीजो एसिमेट्रिक एटम होता है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं होता। कायरल सेंटर होगा तो कायरलिटी, कायरलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, कायरलिटी और नॉन सुपरइम्पोजिबल मेरिट। भाई वो दोनों बेसिकली सेम ही आएंगे ना, हम लोग गिनेंगे तो भी मतलब ऐसे देखेंगे प्रॉपर्ली तो सेम ही आएंगे ना दो। बिल्कुल ठीक है। और सर और एक बात था कि अगर मतलब ये जैसे कि ये एग्जांपल है इसमें सर मतलब हम लोग को ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म मिल रहा है ना चेंज करने के बाद मतलब पोजीशन, तो जो मतलब पीओएस है जिसमें कायरल सेंटर है उन सबको मीजो बता देंगे ना? हाँ और क्या, बस हम एक बार चेक कर लेंगे कि इसमें कोई कायरल सेंटर है क्या। हाँ है ये वाला, तो फिर ये मीजो है ना, लास्ट वाला होगा मीजो ना, लास्ट वाले में कायरल सेंटर है ना और ये मीजो भी होगा बिकॉज इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। सर मुझे पूछना था कि इसमें एट द एंड टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स कितने बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर काउंट करो ना, ये तो है आपके फॉर्म में, सेवेंथ वाला ना, नहीं ये वाला एट्थ वाला था अपना, एट्थ वाला शुरू कर लिया था ये। तो अपन कहेंगे भाई इसमें एक हाइड्रोजन है, एक फ्लोरीन है, इससे सीएल अटैच्ड है, इससे भी सीएल अटैच्ड है, दोनों ऐसे एटम्स अटैच्ड हैं जो सीएल है, ये कायरल सेंटर नहीं है। एक दो इससे सी, इससे एफ अटैच्ड है, इस सी से सीएल अटैच्ड है, कायरल सेंटर है। इससे हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक सीएल अटैच्ड है, इससे सीएचसीएल है, इससे भी सीएचसीएल है, और इससे दोनों सीएच से अटैच्ड है, जिससे एफ अटैच्ड है, तो फिर ये नहीं है। इसमें एक एच अटैच्ड है, एक सीएल अटैच्ड है, इससे सीएच एफ अटैच्ड है, जबकि इससे सीएच सीएल अटैच्ड है, तो ये कायरल सेंटर है, इसमें दो कायरल सेंटर्स हैं। तो सर हम मतलब कायरल सेंटर्स में मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कंडीशन कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब अभी मैंने बोला कि जो देख भाई एक मैटर को जब आप ऑप्टिकल कंसीडर करते हो तो ज्योमेट्रिकल उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए अलग से काउंट नहीं करते। अच्छा तो मतलब अभी तो वो सिज है तो मीजो है, ट्रांस है तो डीएल है, इसलिए तो अपन लिखते हैं उसको। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। अब रुक जाओ मैं एक बार और चेक कर लूँ, मुझे कुछ और तो नहीं बताना इसमें, तो अपन इसमें बाकी मुझे क्योंकि कोई पॉइंट था मेरे दिमाग में नहीं। ठीक है अपने पास और भी एग्जांपल, अब ये तीन ना आप बना के लाने वाले हो, मैं दूसरे एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना? ये तीन के आंसर आप मुझे बताने वाले हो, ये वाले, ठीक है ना?
क्योंकि आपने काफी कुछ पूछ लिया, आपको आना चाहिए ये बनाना। मैं 12th क्वेश्चन लिखता हूँ। मेरे पास एक ऐसे कंपाउंड है, चलेगा ना? ये तीनों आप बनाओगे? हाँ सर। हाँ सर। मेरे पास ना एक ऐसे कंपाउंड है, इसमें बताने हैं आपको नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स। स्टीरियोइसोमर्स, डायस्टीरियोइसोमर्स एंड ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। हाँ जी भाई, ये बनाने पर नंबर ऑफ आइसोमर्स को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स या नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियोइसोमर्स तीन है ना, तो 3-1 किए मैंने, 2^2 4 आ रहा है। तो मैं इसको ना ऐसे कैलकुलेट करूंगा, पहले ये वाला बताता हूं, ये वाला आप कैलकुलेट करके बताना। देख, इसमें अगर काइरल सेंटर भी है और ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है, तो स्टीरियो सेंटर तो 3 हो गए, काइरल सेंटर 2 हो गए, ज्योमेट्रिकल सेंटर है। ऑल काइरल सेंटर आर स्टीरियो सेंटर, बट ऑल स्टीरियो सेंटर आर नॉट काइरल सेंटर्स, तो वो अपन को पता है, इसलिए मैंने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। इसमें ना कैलकुलेट करने का तरीका होता है, आप इसको RS कॉन्फ़िगरेशन लो, इसको EZ से कैलकुलेट करो। तो पहले आप कहो कि भाई इधर R है और इधर भी R ले लेता हूं, इधर Z ले लेता हूं, इधर R, इधर Z, इधर S, इधर R, तो इधर S, इधर Z, इधर R, और इधर S, पहले अपन दोनों S ले लेते हैं ना, ताकि अपन को पता रहे, थोड़ा सा सिमेट्री बनाने में भी सिमेट्री रहे। इधर R, इधर Z, इधर S, फिर अगर Z लिया है तो EB ले लो, तो R, ER, S, ES, R, इधर पहले अपन ने S लिया था तो ऐसे ले लेता है ES और R, और इधर ले लूंगा R E S, ऐसे ले लेता हूं, इसको हटाते हैं। इसमें ना ये वाला जो होगा ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। व्हाट इज सो, अगर इधर रोटेशन ऐसे आ रहा है तो इधर रोटेशन ऐसे आ रहा होगा, R का मिरर में जैसे होता है ना, सिस्मत तो अपन को पता है कि प्लेन, वो तो इसमें ना जो चार ग्रुप होंगे वो तो एक ही प्लेन में हो सकते हैं, अगर ऐसे होंगे तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है ना, तो ये एक ही प्लेन में हो सकता है, सिस लिखो या ट्रांस लिखो हमें फर्क नहीं पड़ता, एक ही प्लेन में हो सकता है। पहले अपन सिस की बात करते हैं, तो इसका मतलब जेड जो होगा वो ऐसे रहा होगा, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है ना, इसलिए एक ही तरफ होंगे, तो 1 1 2 1 2 ऐसे रहा होगा, तो जेड हो जाएगा। अब अपन चेक करते हैं, इधर भी R और इधर भी R लिया तो ये आपस में मिरर इमेज नहीं होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इधर S है, इधर भी S है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इधर सिज है और इधर S है, इधर R है, तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, ये तो दिख ही रहा है अपन को मिरर इमेज, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। भाई इसी को अगर ऐसे इधर ये वाला ब्लैक वाला S है और व्हाइट वाला आर है, अगर मैं इसी को इसी प्लेन में घुमा दूं तो एस इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, मतलब ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं और आइडेंटिकल भी हैं। और आइडेंटिकल भी हैं।
अब इधर चेक करूंगा तो अपन लिखेंगे इसमें आर और ई, अब ये ट्रांस की बात कर रहे हैं, हमें ट्रांस से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं ये वाला कार्बन एटम और ये दोनों कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम, ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक ही प्लेन में ला सकता हूं क्योंकि दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन मैं कहूंगा इधर ट्रांस लिख रहे हैं आप, लेकिन इधर आर और आर मतलब इसमें कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती क्योंकि आर और ऐसा आपस में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होते, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें एस है, इसमें आर है, तो इसका ये मिरर इमेज है मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट का मिरर इमेज है, तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, ये आ जाएगा अपने पास। अब अपन कहेंगे इसमें तो ऑप्टिकल आइसोमर बता रहे, पहले मैं ना इसको ठीक कर लेते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले अब अपन थोड़ा सा बात करते हैं कि भाई इसमें अपन ना अगर आइसोमर बताने हैं कितने होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स या आइसोमर्स भी बोल सकते हैं अपन क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो फिक्स्ड है, वो उसका कार्बन स्केलेटन तो फिक्स्ड है, तो अपन कहेंगे भाई ऑप्टिकल आइसोमर्स, पहले स्टीरियो आइसोमर्स की बात करते हैं। सर मैं लास्ट के दो, लास्ट के दोनों जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे से, मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे होंगे, वो नहीं मिरर इमेज होगा ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी सर, मिरर इमेज होगा, ट्रांस टाइप है ना, हां तो रहे ना ट्रांस टाइप, उससे क्या होता है भाई, ट्रांस टाइप है तो ये हो गया ना ट्रांस टाइप, लेकिन इसमें जो इधर कार्बन और इधर कार्बन अटैच्ड है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के हिसाब से बोल रहे हैं ना, मतलब हाँ। चलेगा ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोल सकते हैं ना, पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होना और अपन सेंटर वही बनाने वाला था, मैं वही बनाने वाला था, सिमेट्री बताने वाले थे ना अभी, बिल्कुल बिल्कुल मैं वही बताने वाला था, ठीक है ठीक, ठीक है ना, तो ये बन गया अपने पास, ये बन गया अपने पास और एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, ये लो सर, वो एक बार बताइए ना कि आइडेंटिकल कैसे, वो रोटेट कैसे लिए ना, हाँ रोटेट करोगे तो ऑब्वियसली बात है, एक बना लो, एक आर होगा दूसरा एस होगा, तो इसमें ये सेंटर ऑफ सिमेट्री जैसे बन गया अपने पास, इधर सीएच थ्री होगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो अपन कहेंगे स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, तो फॉर्मूला लगाओ भाई स्टीरियो आइसोमर वाला, 2^(n-1) 2^, अब ऑप्टिकल की बात करते हैं तो अपन बात करते हैं कि भाई 2^(n-1) टोटल होते हैं, तो 2^(n/2) -1/2 क्योंकि ऑड नंबर है, तो कितना है अपने पास 3 ना, 3/2 -1/2, तो ये आ गया अपने पास 4+2 6 हो गए टोटल, तो 6 में एक ये हो गया, 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 ये 6 हो गए टोटल, ऑप्टिकली एक्टिव 4 हो गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव 2 हो गए, ये दोनों आइडेंटिकल है, वी आर एबल टू काउंट दैट कि कितना आइसोमर्स होगा इसको। अब एक ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो, Everything is there. अब इसकी बात करते हैं, इसमें ना अपन ऐसे कर लेते हैं, आप ईजेड भी ले सकते हो, सिस ट्रांस भी ले सकते हैं, पहले आर से लेते हैं, हम सॉल्व करेंगे, करो ठीक है, अच्छी बात है फिर तो, मतलब फिर मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन से कम देने पड़ेंगे, मतलब क्वेश्चन दूसरा आएगा तो अपन प्रॉब्लम नहीं होगा ना, इजिली सॉल्व कर लेंगे,
सर फोर आ रहे हैं टोटल, टोटल आइसोमर्स फोर आ रहे हैं। चल भाई देखते हैं, ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। सर सर पहले वाले में जब दो साइड पे सिस है तो बीच वाला काइरल तो बचेगा ही नहीं ना। हाँ इसमें तो ऑप्टिकली इनएक्टिव लिखा और उसको एज सेपरेट काउंट करेंगे फिर नहीं अपन। हाँ ऑब्वियसली बात है, दोनों तरफ से होगा तो अपन ज्योमेट्रिक आइसोमर तो बताएंगे ना उनमें, काउंट तो करेंगे ना उसको। अब अपन को ये चेक करना है कि आइडेंटिकल कौन से होंगे दोनों ट्रांस। भाई ये तो अपन क्या कहें, दोनों सेज है तो भी ऑप्टिकली नेगेटिव है लेकिन डिफरेंट आइसोमर तो है दोनों ट्रांस अगर है तो, दोनों ट्रांस और दोनों सिस, एक सिस एक ट्रांस, तो एक सिस और एक ट्रांस लेकिन ये आइडेंटिकल होंगे। व्हाट इज सो, भाई एक तरफ सिस लिखो और एक तरफ ट्रांस लिखो, मान लिया। हाँ तो इसमें और इसमें, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसको मैं रोटेट कर देता हूं उसी प्लेन में तो रोटेट कर सकता हूं ना, तो उधर भी ट्रांस इधर से, इधर एक तरफ ट्रांस एक तरफ से, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे नहीं नहीं इधर राइट में सेज है इधर लेफ्ट में सेज है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं भाई। कोई सेज और ट्रांस कोई मिरर इमेज थोड़ी है एक दूसरे के। लेकिन सर आर तो चेंज हो जाएगा ना, आर का एस हो जाएगा ना रोटेट किया तो, कैसे होगा आर का एस सेज और ट्रांस में, कैसे बताओगे इस आर और एस कॉन्फिगरेशन? नहीं बीच वाले या इसका साइड आइटम का, इस वाले रोटेट कर रहे हैं। हाँ तो फिर दोनों में से किसी एक को काउंट करो ना, ये काउंट नहीं करना, फिर एस काउंट करते रहे अलग से। हाँ तो फिर इन दोनों में से काउंट करो ना, इसका ट्रांसेस थोड़ी काउंट करोगे आप, कहते हो कि एक तरफ से एक तरफ ट्रांस है इसलिए डिफरेंट ग्रुप है। हाँ तो किस तरफ से और किस तरफ ट्रांस करना है वो बता दो आप मुझे, एक ये बनेगा एक इसका मिरर इमेज बनेगा, बस तो बना दिया मैंने, तो दो ही काउंट तो करेंगे तो। बताओ ये ठीक है, ये दोनों तो आइडेंटिकल होंगे, दोनों में से कोई एक ही काउंट करेंगे अपन कि दोनों सेज हैं और इधर ऐसे वो बोला बिल्कुल वैसे ही हो गया कि दोनों सेज हैं, एक बार आ रहा है और रोटेट कर दिया तो दोनों सेज हैं और ऐसा आ गया, ऐसे अपन लिख दिया। बोलो सर जो आपने अभी दोनों आइडेंटिकल बोले वो कैसे आइडेंटिकल? ये एक तरफ सेज है और दूसरी तरफ भी सज है, इधर भी सज है इधर भी सज है, अपन कहेंगे ये दोनों ही सज है। हाँ एक आइसोमर तो है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि ये दोनों सेम है। काइरल सेंटर थोड़ी हो सकता है, अब दोनों तरफ ट्रांस ले लेते हैं तो चलो भाई दोनों तरफ ट्रांस ले लेते हैं, ये अलग आइसोमर है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मैंने आइसोमर काउंट किया अलग, मैंने वो मना नहीं किया कि मतलब आइडेंटिकल मतलब आइसोमर काउंट नहीं करूंगा, मैं आइसोमर काउंट तो करूंगा क्योंकि एक तरफ से एक तरफ ट्रांस, जब ट्रांस दोनों तरफ ट्रांस है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, दोनों तरफ से है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, मैं इनको सिर्फ ज्योमेट्रिकल बोल सकता हूं, इसमें आर एस नहीं हो सकता बट आइसोमर तो है भाई, दोनों तरफ सेज है ज्योमेट्रिक आइसोमर। मैं इसकी बात इसको ऐसे ले लो ना, दोनों तरफ सेज है खत्म बात, ये लो आर की बात ही नहीं कर रहा ना मैं तो, मैं तो ज्योमेट्रिक आइसोमर की बात कर रहा हूँ, ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, इसलिए तो ऑप्टिकल इनएक्टिव लिखा दोनों को, मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा। अब तो बताओगे ना दो डबल बॉन्ड के लिए
अब सीन लिख लेते हैं। तो दोनों तरफ सिस एक आइसोमर, दोनों तरफ ट्रांस एक आइसोमर। इसको अपन आर वगैरह ऐसे लिख लेते हैं, मतलब बना लेते हैं बनाई समझ। अब अपन आर लिखते हैं तो एक आर हो गया जिसमें सिस और ट्रांस है। तो भैया अपन इसको ना एक तरफ ट्रांस और एक तरफ सिस लिखोगे तो दूसरी तरफ अपन ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि मान लो ये आर ऐसे ऐसे बना लिया अपन ने और एक तरफ सिस है और एक तरफ ट्रांस है, ये ऑप्टिक रिएक्टिव है, ये आर है। तो अपन कहेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव इसलिए क्योंकि वो नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा। अब अपन ऐसे थोड़ी कहेंगे नहीं नहीं इस तरफ सिस बना देते, इस तरफ अपन सिस बना लेते हैं, इस तरफ ट्रांस बना देते हैं और इस तरफ सिस बना लेते हैं। भाई एक ही बात है ना, दोनों एक तरफ सिस बनाओ एक तरफ ट्रांस बनाओ, ये काइरल सेंटर के हिसाब से बता रहा हूं मैं। लेकिन अब काइरल सेंटर में दूसरा नहीं बना सकते आप, क्योंकि एक तरफ सिस और एक तरफ ट्रांस बनेगा तो ही वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब आप ये नहीं बोलना कि इस तरफ ट्रांस और इस तरफ सिस, तो फिर वो आपने मिरर इमेज बना दिया उसको। तो बना तो रहा हूं मैं इसको, राइट ना। अब बिल्कुल ऐसी एस में करेंगे अपन, तो एस में करेंगे अपन तो सिस और ट्रांस कैलकुलेट करते हैं। अब अपन कहेंगे एस में क्या करें, ऐसे बना लें। हाँ ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये तो काउंट कर चुके हैं हम सिस और ट्रांस। भाई ऑप्टिकली इनएक्टिव है अगर ये, इसकी वजह से नहीं बता रहे, ये ऑप्टिक एस है ना एस, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो इसका मिरर इमेज थोड़ी काउंट करूंगा। मुझे लग रहा है कॉम्बिनेशन लिखने से पहले आपको बताना था, कॉम्बिनेशन लिख के ना तुम लोगों को कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि ऐसे कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। देख कॉम्बिनेशन हटाते हैं, देखते हैं एक एक करके बनाते हैं, इसमें ना सारे बना के दिखाता हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने पहले ये लिया, क्योंकि ये थोड़ा ईजी था और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। देख ना अपन ने ऐसे बनाया, इसको अपन सिस बनाते हैं, एक आइसोमर ये बना लिया, एक आइसोमर ये बना लिया, सिस बनाया अपने ट्रांस बना। एक आइसोमर ये बना, सिर्फ ये ऑप्टिकली एक्टिव है बाकी दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब मैं एस की बात कर लेता हूं, भाई ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये दोनों एक जैसे हैं। कैसे घुमा दो इसको उसी प्लेन में, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसको घुमाने से सेम नहीं बनेगा। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दोनों ट्रांस है, ये मैंने टोटल बना दिया, आप काउंट कर लो, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा इसके। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये टोटल आइसोमर्स बना दिए मैंने, तो अपन क्या करेंगे भाई, ये जो बना रहे हो आप ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है,
ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कैरा सेंटर थोड़ी एज्यूम कर सकते हैं, ये कोई कैरल सेंटर थोड़ी है, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इट इज लाइक दिस ना, मैंने यहाँ भी सीएल लिखा हुआ है, यहाँ भी सीएल, यहाँ पर बीआर लिखा हुआ है, यहाँ भी बीआर लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहाँ बीआर लिखा हुआ है, यहाँ बीआर लिखा हुआ है, तो इस वाले बीआर को इधर लिखोगे तो क्या डिफरेंट एक्सूमर बन जाएगा? नहीं। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग अलग, मतलब टोटल बने मेरे पास चार, आंसर इज फोर। ऑप्टिकली एक्टिव दो, ऑप्टिकली इनएक्टिव दो। उस कायरल सेंटर को सुडो कायरल सेंटर बोल सकते हैं ना? हाँ, बीच वाले को, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं सुडो कायरल सेंटर, ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ ठीक है, मैंने सारे बना दिए क्योंकि इसको समझाता ना तो आप मतलब काफी टाइम लग जाता उसमें, तो बेटर है कि बना लेना, मैंने बना दिया आपको सारे बना के दिखा दिए। तो अब आप कॉम्बिनेशन देख लो है अपने आप से, मैंने क्या बनाया था, सिस सिस, इधर भी सिस सिस, ऑप्टिकली नेगेटिव, ये सिस ट्रांस वाला ही, इधर ट्रांस है, ये सिस ट्रांस वाला ही ऑप्टिकली एक्टिव था, और ये भी ट्रांस ट्रांस ऑप्टिकली नेगेटिव। कैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स काफी हो गया अपने। अब कुछ मिक्स्ड करके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी मिक्स करके कुछ अपन एग्जांपल नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज इतना ही पढ़ते हैं, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद खत्म, ठीक है? तो दैट इज ऑल, थैंक यू।